और आगे बढ़ लेते हैं। आज आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का आज निधन हो गया। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 34 साल के वामपंथी शासन में बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक, यानी करीब 11 साल तक पश्चिम बंगाल के वो मुख्यमंत्री रहे। एक सांप्रदायिकता विरोधी सेकुलर एग्रेसिव सेकुलर इंसान के हैसियत से और लीडर के हैसियत से निधन होना हमारे लिए बेहद अफसोसनाक है, और मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से, इस बंगाल की जनता की तरफ से अपने को संबद्ध करता हूं इस शोक में। आज हमने ये फैसला लिया उनके परिवार के साथ बातचीत करके, क्योंकि वो अपना देह दान किए थे चिकित्सा विज्ञान के लिए, इसलिए उनका देह कल हम अलीमुद्दीन स्ट्रीट से जुलूस करके शेष यात्रा करेंगे और उनको हम अस्पताल में जो है डोनेट करेंगे जैसा उनकी इच्छा था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का स्वर्गवास हुआ है। आपको बता दें, आज सुबह 8:20 पर जो है उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसके बाद ही उनका देहांत हुआ है। अभी जो बताया जा रहा है, उनकी उम्र 80 साल थी और ऐसे में लंबे समय से जो है COPD से परेशान थे, उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी और आज सुबह उनका स्वर्गवास जो है इसी कोलकाता के पाम एवेन्यू के घर पर हुआ है। आपको बता दें, 34 साल जो है वामपंथियों की सरकार रही पश्चिम बंगाल में और 2000 से लेकर 2011 तक मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य, और आज जैसे ही सुबह उनके बेटे के तरफ से ये खबर दी गई कि उनके पिता का देहांत हुआ है, लगातार लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है उनके परिवार जन और साथ ही जितने भी CPM के नेता है वो अब एक के बाद एक उनके घर पर आना पहुंच रहे हैं। तो एक लंबा अरसा वो CM के पद पर रहे, और इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उनके निधन पर क्या कुछ कहा गया वो भी आप देखिए। এবং ওনার দেহদান করা আছে। আমরা সরকারিভাবে আজকে রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করে দিয়েছি, আজকে ফুল ডে ছুটি থাকবে এবং আগামীকাল সসম্মানে রাষ্ট্রীয় সম্মানের সাথে আমরা তাকে শেষ বিদায় জানাতে চাই গান স্যালুটের মাধ্যমে। কাজেই ওনার মৃত্যুটা রাজ্যের পক্ষে একটা বড় লস,